देखिए दूसरी चीज़, जो ये काले से दाने आप देख रहे हैं, अगर आप इसको तुलसी के पौधे में डाल देंगे तो आपका तुलसी का पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। इसमें जितनी भी पीली पत्तियां होंगी वो सभी हरी हो जाएंगी और आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। दोस्तों, अगर आपके तुलसी के पौधे में कीड़े लग रहे हैं या फिर उसमें चींटी आ रही है या फिर उसमें आपको कोई भी फंगस वगैरह दिखाई देता है, तो आप ये घर की घरेलू चीज डाल दीजिए। इसके बाद आपके पौधे में जितनी भी चींटियों की समस्या होगी, अगर कोई फंगस लगेगा तो इसको डालने से फंगस सभी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, HLD एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जो ये मेरा तुलसी का पौधा देख रहे हैं, इस तुलसी के पौधे में मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें डाली हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं मेरा ये तुलसी का पौधा कितना ज्यादा हरा भरा और घना हो रहा है। इसकी ग्रोथ आप खुद देख सकते हैं। तो कुछ लोगों का ये सवाल आता है, हमने अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा दिया है लेकिन हमारे तुलसी के पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें ना तो नई पत्ती आ रही है ना ही नई शाख आ रही है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको जो फर्टिलाइजर मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं वो आपको बताऊंगा। इसको डालने के बाद आपका जो तुलसी का पौधा है बहुत ही तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तुलसी के पौधे में फर्टिलाइजर का यूज करने से पहले आपको इसकी ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए, कैसे आपको इसकी केयर करनी है, सभी टिप्स मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप तुलसी का पौधा लगाएं तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, इस तुलसी के पौधे को आप मिट्टी के गमले में ही लगाएं, क्योंकि मिट्टी के गमले में हमारा जो तुलसी का पौधा होता है इसकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है। अगर आप इसको प्लास्टिक के पॉट में लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है। तो इसीलिए जब भी आप पहली बार तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आप इसको मिट्टी के गमले में ही लगाएं। अब दूसरा केयर टिप्स ये है, जब भी आप तुलसी के पौधे को लगाएं तो आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसको थोड़ी सी धूप भी मिलती रहे। अगर आप इसे फुल सनलाइट में भी रख देंगे तो इसकी पत्तियां खराब होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर इसको दिन भर की 1-2 घंटे की धूप भी मिल जाती है तब भी हमारा पौधा काफी अच्छा ही चलता है। दोस्तों, ये जो मेरा तुलसी का पौधा है मैंने इसको ऐसे स्थान पर रख रखा है जहां पर इसको सुबह की सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की ही धूप मिलती है और आप देखेंगे इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। अब मैंने आपको केयर टिप्स तो बता दिए, अब मैं आपको बताता हूँ आपको अपने तुलसी के पौधे को घना कैसे बनाना है, इसमें ज्यादा पत्तियां कैसे लानी है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा तुलसी का जो हमारा पौधा होता है इसमें समय समय पर इस तरीके की मंजरी निकलती रहती है जिसे हम कलियां भी कहते हैं और ये फूल भी होते हैं। तो ये जैसे कि ये फूल सूख जाते हैं तो इससे हम नए तुलसी के पौधे तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फूल हमारे पौधे में लगे रहते हैं तो होता क्या है, इसकी ग्रोथ पर काफी असर पड़ता है, इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। वहीं अगर आप इन फूलों को तोड़ देते हैं, मंजरी को तोड़ देते हैं, तो आपके जो पौधे हैं इसमें यहाँ से नई नई कलियां निकलनी शुरू हो जाती है और हमारा जो पौधा है और घना होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको इस तरीके की मंजरी दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से इसको यहाँ से तोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरीके से तोड़ने के बाद आप इसको रख सकते हैं। जितनी भी इसमें यहाँ पर मंजरियां निकल रही है पौधे में, इन सभी को इस तरीके से यहाँ से कट कर दूंगा। ये देखिए, हम हाथ की मदद से करेंगे क्योंकि तुलसी के पौधे को काफी पवित्र पौधा माना जाता है, इसलिए हम इसमें किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे कटिंग के लिए। ये देखिए, हमने इस तरीके से इसको तोड़ लिया है। तो अगर आपके पौधे में कभी भी आपको ये दिखाई दे मंजरी, तो आपको इस तरीके से इसको तोड़ देना है और तोड़ने के बाद आप देखेंगे इस तरीके से ये जो है नई नई हमारी पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर की, कि हम तुलसी के पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे कि हमारा पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले। तो जब भी कोई फर्टिलाइजर हमें मिट्टी में देना होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पौधे को अच्छी तरीके से इस तरीके से हम गुड़ाई करेंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से किसी भी एक चीज से हम गुड़ाई कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास खाने का एक चम्मच है, आपके पास कुछ भी हो, आप उससे इस प्रकार से इसकी गुड़ाई कर लें। दोस्तों, गुड़ाई करने से होता क्या है, इसकी जो रूट होती है इसमें ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और इसकी वजह से हमारा जो पौधा होता है, हमारा पौधा और अच्छी तरीके से ग्रोथ लेना शुरू कर देता है। ये देखिए, हमने इस तरीके से जैसे कि इसकी गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों, अब मैं इसमें आपको 3 फर्टिलाइजर डाल के दिखाऊंगा, तीनों बहुत ही ज्यादा कमाल के होने वाले हैं और ये आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, पहला जो हम इसमें फर्टिलाइजर डालने वाले हैं, ये देखिए दोस्तों, ये है चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती अगर हम इसमें डाल देंगे तो होगा क्या दोस्तों, हमारे जो पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है वो हमारे पौधे में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। और नाइट्रोजन की कमी से दोस्तों होता क्या है, हमारे जो पौधा होता है उसमें कलियां कम आती है, मतलब इसमें जो हमारे पत्ते हैं कम आते हैं। तो हमने सबसे पहले तो डाल दिया है इसमें नाइट्रोजन के लिए चाय की पत्ती। तो ये वही चाय की पत्ती है जो कि हमारे घर में हम चाय पीने के बाद फेंक देते हैं। तो आपको कभी भी चाय पीने के बाद पत्ती को नहीं फेंकना चाहिए, इसे फेंकने से दोस्तों होता क्या है, आपका एक तो नुकसान होता है। अगर आप आपके घर में थोड़े बहुत पौधे रखे हुए हैं तो आप पौधों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, ये देखिए दूसरी चीज, जो ये काले से दाने आप देख रहे हैं, अगर आप इसको तुलसी के पौधे में डाल देंगे तो आपका तुलसी का पौधा बहुत ही तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। इसमें जितनी भी पीली पत्तियां होंगी वो सभी हरी हो जाएंगी और आपका पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा। तो इसको हम कितना डालेंगे, हम इसको सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच ही डालेंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से चारों तरफ इसको डाल देंगे, सिर्फ हमें इसमें 1 चम्मच डाल देंगे तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है काफी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो काले से दाने हैं ये है हमारे पास बायोजाइम, ये आपको किसी भी नर्सरी शॉप पर मिल जाएंगे या जहां से आप बीज भंडार पर जाते हैं, खाद वगैरह लाते हैं, वहां पर भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसका नाम आप एक बार और सुन लीजिए, इसका नाम है बायोजाइम, आपको काफी सस्ती मिलती है। इसको डालने से दोस्तों होता क्या है, आपके पौधे में जितनी भी पोषक तत्वों की कमी होती है वो सभी पूरी हो जाती है। अगर आप इसको फूलों के पौधे में डालेंगे तो उसमें ज्यादा फूल आते हैं और इसके साथ ही अगर आप इसको फलों के पौधे में डालेंगे तो आपके फल जो है बहुत ही बड़े साइज के आएंगे। तो आप इसको किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक होती है। अब दोस्तों, हम अपने तुलसी के पौधे में ये तीसरी चीज डालेंगे, बहुत ही कमाल की चीज है। दोस्तों, अगर आपके तुलसी के पौधे में कीड़े लग रहे हैं या फिर उसमें चींटी आ रही है या फिर उसमें आपको कोई भी फंगस वगैरह दिखाई देता है, तो आप ये घर की घरेलू चीज डाल दीजिए।
दीजिए, उसके बाद आपके पौधे में जितनी भी चींटियों की समस्या होगी, अगर कोई फंगस लगेगा तो इसको डालने से फंगस सभी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है, दोस्तों ये है हमारे घर में मिलने वाली हल्दी पाउडर। तो इस हल्दी पाउडर को हम सिर्फ और सिर्फ इतना सही लेंगे ये देखिए, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा चारों तरफ डाल देंगे। इससे हमारे पौधे में एक तो ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होगी, और दूसरा होगा कि हमारा जो पौधे में जितना भी मतलब ये फंगस वगैरह लगता है वो सभी फंगस लगना बंद हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को डालने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पौधे में अच्छी तरीके से इन सभी को चीजों को इस तरीके से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद दोस्तों हमारा काम हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पौधे में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद इस पौधे को हम जहां पर भी आपको रखना है वहां पर आप रख सकते हैं। इन सभी चीजों को डालने के बाद कुछ ही दिनों के बाद आपको अपने पौधे में जो इसकी ग्रोथ है वो बढ़नी शुरू होती हुई दिखाई दे जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा और घना बना सकते हैं। मैंने आपको तीन फर्टिलाइजर बताए हैं, दो तो मैंने आपको बिल्कुल घरेलू बताए हैं, और तीसरा आपको बाजार से लाना है जो कि काफी सस्ते मिलता है 40-50 रुपए किलो के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ ही गए होंगे तुलसी के पौधे को घना बनाने का ये सीक्रेट तरीका। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके की वीडियो रोजाना प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल HLD एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।